Hello students, welcome to our class 11th. Last time we discussed chapter number 9, sequence and series. Okay, so start example number 19. The question is, the ratio of AM and GM of the positive number A and B is M, GM, N. Then show that A, GM, B, यानी कि A, B का ratio हमें ये find करके ले आना है. ठीक है, हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि ए और बी के नंबर के बीच में जो ए एम एंड जी एम है, अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन, उसका रेशियो आपको गिवन है. ठीक है, तो चलिए, तो पहले सपोज करते हैं कि ए और बी के बीच में अरिथमेटिक मीन क्या होगा और ए और बी के बीच में ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा. ठीक है, सो लेट अस सपोज दैट क्वेश्चन नंबर 19. Let us suppose that A and G be a AM and GM, AM and GM of two positive number between A एंड बी, यानी कि ए और बी के बीच में ए और जी मैंने लिया. सो ए एम, अरिथमेटिक मीन क्या होगा मेरा, सो ए विच इज इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइड बाई टू यूजिंग फॉर्मूला. ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, जी एम इज इक्वल टू जी विच इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी. ये होगा बेसिकली जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी होता है, पर हमें सिर्फ यहाँ पे रेशियो गिवन है ए और जी का, और ए अपॉन जी का रेशियो क्या गिवन है हमें यहाँ पे गिवन है एम अपॉन एन, ये हमें गिवन है. चलिए, तो इसमें से हमें ए और बी का रेशियो फाइंड करना है. सो पुट द वैल्यू ए एंड जी. सो ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू, टू नीचे डिवाइड मिल लेता हूँ, जी की वैल्यू अंडर रूट ऑफ ए बी विच इज इक्वल्स टू एम अपॉन एन. ठीक है, चलिए इसको मैं थोड़े से इक्वालिटी फॉर्म में चेंज करता हूँ. सो मैं यहाँ पे जो इक्वालिटी की प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे यूज़ करता हूँ. सबसे पहले न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर का एडिशन. सो यहाँ पे एडिशन किया तो यहाँ पर भी एडिशन करना पड़ेगा. फिर नीचे लिया मैंने सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन लेना पड़ेगा यहाँ पर. ठीक है, ये क्यों किया, बिकॉज देखो आप यहाँ पे ये परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्मूला बन रही है. ये परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्मूला कुछ इस तरह से बनेगी, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, इसका होल स्क्वायर करो तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म द स्क्वायर ए, सेकंड टर्म द स्क्वायर बी, देन टू टाइम्स अंडर रूट ए इंटू बी. देखो ये फॉर्मूला है, नीचे भी है. ठीक है, सो मैं यहाँ पे ये फॉर्मूला बना रहा हूँ, तो ये बन जाएगा अंडर रूट ए उसका स्क्वायर, अंडर रूट बी उसका स्क्वायर, प्लस टू अंडर रूट ए बी, ताकि हमें जो नेक्स्ट स्टेप लिखे गए वो हमें क्लियर हो. ठीक है, सो यहाँ पे वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस टू अंडर रूट ए इंटू बी, यहाँ पर एज इट इज एम प्लस एन अपॉन एम माइनस एन. ठीक है, चलिए फिर इसको और सिंप्लीफाई करते हैं. सो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी दी होल स्क्वायर, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी होल स्क्वायर, यहाँ पर एज इट इज एम प्लस एन अपॉन एम माइनस एन. चले, यहाँ पर कोई डाउट नहीं है. नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, चलिए स्क्वायर रूट ले लूँ तो यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, और यहाँ पे आ जाएगा रूट एम प्लस एन अपॉन एम माइनस एन. चलिए, इन दोनों को अलग अलग रूट दे देता हूँ मैं. तो ये बन जाएगा अंडर रूट एम प्लस एन अंडर रूट एम माइनस एन. ठीक है, मुझे तो वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, मुझे वैल्यू फाइंड करनी है ए और बी की. फिर देखो, मुझे यहाँ पे किसी एक को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा,
फिर वही सिचुएशन यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ मैं, जैसे कि यहाँ मैंने किया था पहले एडिशन फिर नीचे सब्ट्रैक्शन, सिमिलरली यहाँ पर भी a प्लस अंडर रूट बी अपॉन a प्लस अंडर रूट बी, फिर यहाँ पे a माइनस अंडर रूट बी और यहाँ पे a माइनस अंडर रूट बी, सिमिलरली यहाँ पर भी अंडर रूट एम प्लस एन एम माइनस एन डिवाइडेड बाय अंडर रूट एम प्लस एन और अंडर रूट एम माइनस एन। क्या करूँगा, ऊपर करूँगा एडिशन, नीचे करूँगा सब्ट्रैक्शन, ऊपर होगा एडिशन नीचे होगा यहाँ पे सब्ट्रैक्शन, ठीक है। चलिए तो फिर ये बन जाएगा, अब इस तरह से सॉल्व करोगे आप। सो देखो यहाँ पे ये बी कट, देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ए कट हो जाएगा, बी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो न्यूमिनेटर में बचेगा यहाँ पे टू अंडर रूट ए अपॉन यहाँ पे बचेगा टू अंडर रूट बी, ये माइनस माइनस प्लस ही होगा विच इज इक्वल ये एज इट इज एम प्लस एन प्लस एम माइनस एन डिवाइडेड बाय अंडर रूट एम प्लस एन माइनस अंडर रूट एम माइनस एन। चलिए ये टू से टू कट, मुझे तो ए अपॉन बी का रेशियो चाहिए ना, सो टेकिंग अ स्क्वायर रूट, सॉरी टेकिंग अ स्क्वायर ऑन बोथ साइड, रूट तो है ही, सो रूट कैंसिल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा ए अपॉन बी। अगर यहाँ पर मैं स्क्वायर करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम प्लस एन फर्स्ट टर्म दिस स्क्वायर प्लस लास्ट टर्म दिस स्क्वायर एम माइनस एन देन प्लस टू टाइम्स इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, यानी कि एम प्लस एन और एम माइनस एन डिवाइडेड बाय, यहाँ पर भी सेम सिचुएशन एम प्लस एन प्लस एम माइनस एन माइनस टू टाइम्स अंडर रूट एम प्लस एन इंटू एम माइनस एन, होल स्क्वायर की फॉर्मूला सिर्फ यूज़ किया और कुछ नहीं किया है। देखो यहाँ पे एन एन कैंसर, यहाँ पे एन एन कैंसर, एम प्लस एम ये क्या हो जाएगा टू एम, और इसमें से मैं टू कॉमन ले रहा हूँ तो यहाँ पे सिर्फ एम प्लस अंडर रूट एम प्लस एन और एम माइनस एन डिवाइडेड बाई टू, यहाँ पर टू एम उसमें से टू कॉमन ले लिया, सो एम माइनस अंडर रूट एम प्लस एन इंटू एम माइनस एन, ये बचेगा टू टू कैंसर, जो मिलेगा वो आपका, अच्छा ये आंसर नहीं है सो इसका फैक्टराइजेशन ले लो आप, एम प्लस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, इसका आंसर यही होगा, और एम माइनस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी रेशियो, सो ये रेशियो मिलेगा एंड हेंस प्रूव, ठीक है। एंड बहुत ही ईजी क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या गिवन है आपको, तो क्वेश्चन नंबर 20 में आपको गिवन है कि ए बी एंड सी आर इन ए पी, देन बी सी एंड डी आर इन जी पी एंड वन अपॉन सी वन अपॉन डी एंड वन अपॉन ई आर इन ए पी, देन प्रूव दैट, ये भी हमें प्रूफ ही करना है कि ए सी एंड ई आर इन जी पी। देखो जी पी में हमें दिखाना है कि भी किसी भी टर्म को मुझे जी पी में दिखाना है, तो मैं क्या दिखाऊंगा कि जो मिडल टर्म है उस टर्म का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू आगे के दो टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन, यानी कि वी हैव टू प्रूव दैट सी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू ए इंटू ई, हमें कुछ ये प्रूफ करना है ताकि हम बोल देंगे कि ये जो गिवन सिचुएशन है उसमें से ए सी और ई, ये ए सी एंड ई वो किस में है, जी पी में है। चलिए मुझे ये दिखाना पड़ेगा, और मुझे गिवन क्या है, सो यहाँ पे मुझे गिवन है कि ए बी सी इन ए पी, सो ए बी सी ए पी में है तो क्या होगा, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, ए बी सी इन ए पी, ए पी में है सो बी इज इक्वल्स टू ए प्लस सी डिवाइडेड बाई टू, एक काम कर दूँ मैं टू इसको मल्टीप्लाई कर दूँ, सो टू बी विच इज इक्वल्स टू ए प्लस सी, इसको इक्वेशन नंबर वन दे दो अभी। फिर आपको क्या गिवन है कि बी सी एंड डी ये जी पी में है, बी सी डी इन जी पी, जी पी में तो सिमिलरली ये होगा कि
सी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू बी इंटू डी, सी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू बी इंटू डी, और फिर क्या गिवन है आपको, फिर गिवन है आपको कि वन अपॉन सी विच इज इक्वल वन अपॉन सी वन अपॉन डी एंड वन अपॉन ई इन ए पी, ए पी में है सो टू अपॉन डी विच इज इक्वल्स टू वन अपॉन सी प्लस वन अपॉन ई, ऐसा होगा। चलिए सो एक काम करता हूँ मैं, बी की वैल्यू मुझे यहाँ से मिल जाएगी, डी की वैल्यू मुझे यहाँ से मिल जाएगी, और वो वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूँ तो इसकी वैल्यू कुछ ए इंटू सी ए इंटू ई आनी चाहिए या कुछ और तरीके से हम देखेंगे, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले मैं फाइंड करता हूँ डी की वैल्यू, डी की वैल्यू फाइंड करता हूँ, बी की वैल्यू हमें क्लियरली यहाँ पे मिल गई है, डी की वैल्यू चलो फाइंड कर लेते हैं। डी की वैल्यू क्या होगी, सो यहाँ पे टू अपॉन डी होगा विच इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा इस तरफ मल्टीपी, ये होगा इस तरफ मल्टीपल सी ए और नीचे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन सी इंटू ई। चलिए डी की वैल्यू फाइंड करनी है सो डी अपॉन टू विच इज इक्वल टू सी ई अपॉन ई प्लस सी, ऐसा होगा टू यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा सो डी इज इक्वल्स टू टू सी ई अपॉन ई प्लस सी, ये वैल्यू होगी। चलिए सबको नाम दे देते हैं यहाँ पे, इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर टू, इक्वेशन नंबर थ्री। चलिए अब वन एंड थ्री की वैल्यू कहाँ पुट कर रहा हूँ मैं, टू में, सो पुट द वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन वन एंड थ्री इन इक्वेशन टू, यानी कि इक्वेशन टू क्या है हमारा सी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू बी इंटू डी, और सी स्क्वायर की वैल्यू क्या, सी स्क्वायर जो डिज रहेगा, बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है ए प्लस सी डिवाइडेड बाई टू, और डी की वैल्यू क्या थी टू सी ई अपॉन ई प्लस सी, ठीक है। चलिए तो इसमें से ये तो कट हो गया, ठीक है। सो देखो यहाँ पे, अब यहाँ पर है ए प्लस सी और नीचे है ई प्लस सी, उसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या आंसर मिलता है यहाँ पर। सो ये मिलेगा आपको ए प्लस सी इंटू सी इंटू ई अपॉन ई प्लस सी, चलिए सी और ई सब अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो ये आपको मिल जाएगा ए सी ई प्लस सी स्क्वायर इंटू ई अपॉन ई प्लस सी, यहाँ पर एक सी स्क्वायर तो है ही, सो ये वैल्यू यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, अब इनइक्वालिटी बना देते, ये पूरा इक्वेशन बना देते हैं, सो ये बन जाएगा सी स्क्वायर ई इंटू सी विच इज इक्वल्स टू ए सी ई प्लस सी स्क्वायर इंटू ई, कुछ ऐसा मिलेगा आपको यहाँ पर। चलिए अब इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है, देखो मुझे यहाँ पे ई प्लस सी सी स्क्वायर चाहिए, सो इसको मैं इस तरफ ले आऊँ तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी स्क्वायर ई प्लस, ये इस तरफ आ जाएगा, अरे सॉरी सी स्क्वायर ई प्लस सी क्यूब विच इज इक्वल्स टू ए सी ई प्लस सी स्क्वायर ई, उस तरफ कुछ नहीं किया, सिर्फ यहाँ पे सी स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई किया और मैंने कुछ नहीं किया है, देखो सी स्क्वायर सिर्फ मल्टीप्लाई किया और मैंने देखा तो यहाँ पे सी स्क्वायर ई कैंसिल हो रहा है, सो यहाँ मिलेगा मुझे सी क्यूब विच इज इक्वल्स टू ए सी ई, सो सी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू ए ई, सी स्क्वायर ए ई मिल गया, इट मीन्स वॉट, इट मीन्स ए सी एंड ई इन जी पी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखो इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले से ही आगे की एक्सरसाइज में देखा हुआ है, सो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 एंड क्वेश्चन नंबर 21 में दो क्वेश्चन है, सो क्वेश्चन नंबर 21 में फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको याद दिलाऊंगा, सेकंड क्वेश्चन को आपको थोड़ी सी हीट दे दूंगा और वो क्वेश्चन हम छोड़ देंगे, छोड़ नहीं दूंगा पर आपको होमवर्क में करने के लिए दूंगा, अगर आपको नहीं आता है तो फिर मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। चलिए सो सबसे
पहले क्वेश्चन नंबर 21 में फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में गिवन क्या है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज अप टू एंड टर्म्स, यानी कि मुझे ये सीरीज के एंड टर्म्स का सम फाइंड करना है, यानी कि 5 + 55 + 555 एंड सो ऑन। ठीक है, चलिए। सो उस टाइम पे मैंने क्या किया था, सो कि मैंने यहाँ पे सब टर्म में से 5 कॉमन लिया था, तो यहाँ पे 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 एंड सो ऑन। फिर क्या किया था, 9 × 9 क्यों, ये भी बोलता हूँ बाद में मैं, 1 + 1 1 + 1 1 + 1 1 1 एंड सो ऑन। अब ये 9 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 upon 9 9 + 99 + 9999 9999 एंड सो ऑन। ठीक है, चलिए अब ये हो जाएगा 5 upon 9, ये होगा 10 - 1 + 100 - 1 + 1000 - 1 ये होगा 10000 - 1 एंड सो ऑन। चलिए मैं सारे एडिशन वाले एक तरफ करता हूँ, सबट्रैक्शन वाले एक करता हूँ। सो ये 5 upon 9 तो सबसे पहले आगे है ही, फिर ये हो जाएगा 10 + 100 + 1000 + 10000 एंड सो ऑन वो सीरीज। फिर यहाँ पे -1 सब में कॉमन ले लूँ, सो ये 1 + 1 + 1 + 1 + 1 ये दो सीरीज का एडिशन होगा, इसी तरह सॉरी सबट्रैक्शन होगा, ये पहली सीरीज ये दूसरी सीरीज और ये दोनों का सब्ट्रैक्शन, ऐसा ही होगा ना कुछ। तो देखो ये तो जीपी बन गई और ये क्या हो गया आपका सिग्मा 1। सिग्मा 1 की वैल्यू क्या होती है, कितना टर्म से ये एन टर्म से, इसका एन टर्म का सम क्या होगा, एन ही होगा। ठीक है, चलिए। सो यहाँ पे ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी अपनी जीपी, और जीपी में ये देखो ये बन जाएगी हमारी जीपी, और इसमें एसएन का फॉर्मूला होगा। ठीक है, सो एसएन का फॉर्मूला होगा कुछ इस तरह से, एसएन विच इज इक्वल्स टू ए इंटू r^(n-1)/r-1 ये होगा इसका फॉर्मूला, और इसके आगे वैल्यू है 5 upon 9 माइनस, और इसका फॉर्मूला होगा -1 और ये सब ब्रैकेट में। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे ए आर की वैल्यू फाइंड करते हैं। ए यानी कि फर्स्ट टर्म क्या होगा 10, रेशियो क्या होगा r विच इज इक्वल्स टू ऑल्सो 10। चलिए यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये वैल्यू कुछ इस तरह से मिलेगी आपको कि 5 upon 9 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे 10 to the power n -1 upon 10 - 1 - σ1 की वैल्यू क्या होगी n। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, सो ये वैल्यू कुछ आपको मिलेगी 10 × 5, ये हो जाएगा 5 × 10 = 50। फिर 10^(n-1)/10 - 1 = 9, 9 × 9 = 81 -5n/9 दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, सो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन, है ना, बहुत ही इजी क्वेश्चन। चलिए सेम इसका जैसा ही क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे क्या गिवन है 0.6, 0.66 देन 0.666 अप टू सो ऑन। ठीक है, चलिए। सो हम यहाँ पे सबसे पहले बाहर क्या कॉमन लेंगे, सो बाहर कॉमन ले लेंगे 6, तो देखो तो यहाँ पे 6 कॉमन ले लिया, तो अब यहाँ पे क्या बचेगा आप खुद देख लो, चलो 6 कॉमन ले लिया, सो यहाँ पे बचेगा 0.1 0.1 0.1111 0.1111 एंड सो ऑन। ठीक है, फिर वही सिचुएशन 9 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, 9 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये एज इट इज 0.1 0.1111 0.1111111 इसी तरह से एंड सो ऑन। चलिए फिर ये वैल्यू है 0.1, यहाँ पे 6 एज इट इज, और ये क्या हो जाएगा, सो ये 9 मल्टीप्लाई होगा, ये होगा 0.9 0.9
0.99 प्लस 0.99999, ठीक है। चलिए और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये वैल्यू हो जाएगी 10 माइनस 0.1, फिर ये वैल्यू क्या होगी तो 10 माइनस 0.01, फिर ये वैल्यू क्या होगी सो 1000 माइनस 0.001, ठीक है, प्लस सो एंड सिचुएशन, यहाँ पे तो 10 माइनस करके ये 1 नहीं होगा, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.001 प्लस 0.00001, इसी तरह से चलता जाएगा। और इस सब का क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। तो देखो ये भी एक जीपी बन गई और ये भी अब क्या होगी, एक जीपी ही होगी, और ये जीपी को आपको फॉर्मूला पुट करना है एसएन वाला, ठीक है। और ये जीपी का फर्स्ट टर्म क्या होगा ए, रेशियो क्या होगा वो आपको फाइंड करना है। रेशियो क्या होगा, रेशियो होगा यहाँ पे 0.01 डिवाइडेड बाय 0.1, 1/100, 1/10, 0 कैंसल, आंसर होगा 1/10। देखो रेशियो यहाँ पे क्या है, एक से ज़्यादा एक से कम, चलिए तो ये आपको यूज़ करना है बाय फॉर्मूला में, ठीक है। सो ये मैं आपको दे रहा हूँ एज अ होमवर्क में, आप चाहो तो इस तरह से भी सॉल्व करते हो। और एक और भी तरीका है, ये बहुत ईजी रहेगा अगर आप उससे सॉल्व करो तो भी ईजी है। सपोज कि इसको मैं इस तरह से सॉल्व करता हूँ, ये फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड ये भी है, ये वाली सेकंड मेथड यहाँ से, वो क्या होगी। सो मैं सबसे पहले तो ये 6/9 एज इट इज, देखो ये 9/10, फिर ये क्या हो जाएगा 99/100, फिर ये क्या हो जाएगा 10 माइनस 0.1, वो क्या था 10 माइनस 0.1, दैट इज ओके, ये वैल्यू आपको मिलेगी 0.9, फिर था 1000 माइनस 0.01, सो ये वैल्यू आपको नहीं मिलेगी। देखो आप यहाँ से 1000 माइनस नहीं होगा, मेरी गलती है, मैं पहले कहता हूँ ये क्वेश्चन जो मैंने आपको ऐसा होमवर्क में दिया उस तरीके से ये सॉल्व नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेकंड टर्म्स है वो 0.99 है, अगर 0.99 मैं करूँगा तो ये 1000 माइनस नहीं होगा, ये होगा 1 माइनस 0.001, ठीक है। सो यहाँ पे इस तरह से होगा इसका सॉल्यूशन, वो फर्स्ट वाली जो मेथड मैंने आपको होमवर्क में दी है वो उस तरह से सॉल्व नहीं होगा। इसका सॉल्यूशन मैं खुद आपको अभी करके देता हूँ, कुछ इस तरह से होगा इसका सॉल्यूशन कि 1 माइनस 0.1 प्लस 1 माइनस 0.01 प्लस 1 माइनस 0.001 एंड सो ऑन। चलिए सारे टर्म्स एक तरफ ले लेते, सो ये 1 प्लस 1 प्लस 1, फिर माइनस करके ये होगा 0.1 प्लस 0.01 0.001 प्लस 0.0001 एंड सो ऑन, ठीक है। सो 1 में से ये सारे टर्म सब्ट्रैक्ट होते हैं, सो आपको ये सीरीज मिल रही है, फिर ये 1 का एज इट इज़। और इसको आपको जैसे कि पहले की क्वेश्चन में हमने किया कि ये एक जीपी बन रही है और ये जीपी को हमने सॉल्व किया था, वैसे ही आपको ये जीपी के एंड टर्म का फॉर्मूला लगा के ये सॉल्यूशन आपको करना है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको होमवर्क में, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, उसमें गिवन है कि फाइंड द 20 टर्म ऑफ सीरीज, यानी कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 22 में 20 टर्म का समीशन फाइंड करना है, आपको 20 टर्म ऑफ दिस सीरीज 20 टर्म फाइंड करना है कि 20 टर्म यहाँ पर क्या होगा। ये जो आपको सीरीज गिवन है, ये सीरीज में 20 टर्म क्या होगा, देखो ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म है ना,
और ऐसी सीरीज हमने पहले देखी हुई है। हम क्या करते थे, तो पहली सीरीज ले लेते थे उसका एन टर्म, सेकेंड सीरीज ले लेते उसका एन टर्म, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करते थे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे गिवन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 22। आपको क्या गिवन है, आपको गिवन एक सीरीज 2 × 4 प्लस 4 × 6 प्लस 6 × 8 एंड सो एन टर्म्स। ओके, सो उसका एन टर्म्स क्या होगा, एन टर्म्स विच इज इक्वल्स टू 2, 4, 6 इसका एन टर्म मल्टीप्लीकेशन में, इसका एन टर्म्स 4, 6, 8 और इसका भी nth टर्म ये होगा। चलिए इसका nth टर्म कैसे मिलेगा, देखो फर्स्ट टर्म कैसे मिल रहा है, 2 से मल्टीप्लीकेशन में डायरेक्टली मिल जाएगा। देखो यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 1 पुट करूँ तो ये मुझे, मिलेगा फर्स्ट स्टेप, n इज इक्वल्स टू 2 पुट करूँ तो ये क्या मिलेगा मुझे, सेकेंड स्टेप। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा इस वाली ब्रैकेट में, सो शुरुआत कहाँ से होती है, शुरुआत होती है फोर्थ से, फिर उसके बीच में 2 का डिफरेंस है, यानी कि 2n तो कुछ होगा ही होगा 2n। अगर मैं यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 1 पुट कर दूँ सो ये क्या हो जाएगा, 2 × 1 = 2, मुझे आंसर क्या लाना है 4, सो यहाँ पे प्लस 2 कर दूँ सो ये आंसर मिल जाएगा। अगर n इज इक्वल्स टू यहाँ पे 2 पुट करो सो 2 × 2 = 4, 4 + 2 = 6 मिल गया। यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 3 पुट करो सो 3 × 2 = 6, 6 + 2 = 8 मिल गया, है ना, इजी क्वेश्चन। चलिए तो ये आपको क्या मिला, ये आपको मिला फॉर्मूला ए एन का। मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है 20 टर्म्स, यानी कि ए 20 क्या पुट करना होगा, एन इज इक्वल्स टू 20, यानी कि 2 × 20 विच इज इक्वल्स टू 2 × 20 + 2। सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होते, 20 × 2 ये होगा 40, ये होगा 40 + 2। ठीक है, सो इसका आंसर होगा 40 × 42, 42 × 4, 42 × 4, 4 × 2 = 8, 4 × 4 = 16, 1680 ये होगा इसका 20 टर्म। ठीक है, 20 टर्म क्या होगा, 1680 योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या गिवन है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ द गिवन सीरीज। जो भी गिवन सीरीज है आपको, वो सीरीज का आपको एंड टर्म फाइंड करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले तो ये 23 क्वेश्चन, और उसमें क्या गिवन है सीरीज, आपको गिवन है एस 3 + 7 + 13 + 21 + 31 एंड सो ऑन। चलिए ये जो सीरीज गिवन है ये ए पी है कि जी पी है, सबसे पहले वो चेक कर लेते हैं। सो 7 - 3 ये होगा 4, देन 13 - 7 ये होगा 6। देखो डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, रेशियो चेक करते हैं, रेशियो 7/3 और यहाँ पे 13/7, देखो रेशियो भी सेम नहीं आ रहा है, ये ए पी भी नहीं है, जी पी भी नहीं है, फिर कुछ डिफरेंट ही है। सो इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले से एक्सरसाइज नंबर 4 में देखा हुआ है क्वेश्चन, सॉरी एक्सरसाइज नंबर 3 में देखा हुआ है क्वेश्चन, आप चाहो तो रिमाइंड करवा दो मैं वो क्वेश्चन को। सो आपकी टेक्स्ट बुक में वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से सॉल्व होगा, एक्सरसाइज नंबर 9.3 अगर आपको याद हो तो, 9.3 में एक क्वेश्चन हमने ऐसा देखा था, शायद एग्जाम्पल का क्वेश्चन था, बिफोर 9.3 के एग्जाम्पल जैसा कुछ था, चलिए वो भी मुझे मिल नहीं रहा है, पर ऐसा क्वेश्चन हमने पहले से देखा हुआ है, जब हम सॉल्व करेंगे तब मैं आपको, ओके एक्सरसाइज का नहीं है पर एग्जाम्पल है 5 + 11 + 19 + 29 + 41 एग्जाम्पल नंबर 19 में ये क्वेश्चन है 5 + 11 + 19, वो क्वेश्चन सॉल्व किया था, वैसे ही ये क्वेश्चन सॉल्व होगा।
हमने वहाँ पे क्या किया था, हमने सपोज कर लिया था कि ये जो हमें फाइंड करना है वो क्या है, इसका सम है एस एन, एन टर्म का सम, ठीक है। फिर मैंने एक टर्म छोड़ दिया था और फिर वही सीरीज लिखी थी एस एन वाली ही, पर क्या किया था मैंने उसको एन टर्म्स छोड़ दिया था, यानी कि इसमें यहाँ पे जो लास्ट टर्म होगा वो उसका लास्ट टर्म ए एन होगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ, यहाँ से 3 + 7 + 13 + 21 up to यहाँ पर होगा कुछ एन माइनस वन प्लस एन, ये होगा। फिर मैंने बोल दिया इसको इक्वेशन नंबर वन, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर वन। नाउ इसका मैंने ले लिया सब्ट्रैक्शन, सो ये माइनस 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 एंड माइनस, कुछ इस तरह से होगा ये। चलिए एस एन कैंसल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 विच इज इक्वल्स टू 3 प्लस ये क्या होगा, तो 7 - 3 ये होगा 4, 13 - 7 ये होगा 6, 21 - 13 ये होगा 8, देन 10 अप टू ये क्या हो जाएगा an - 1 और यहाँ पर ये माइनस an तो है ही, ठीक है। चलिए फिर हमने क्या किया था, सो ये an को इस तरफ भेज दिया था, माइनस है, सो an विच इज इक्वल्स टू 3 + 4 + 6 + 8 + 10। देखो यहाँ पे कितने टर्म्स है, यहाँ पे टर्म्स हो गए, यहाँ पे n टर्म्स, ये होगा क्या n टर्म्स, इसको मैंने इस तरफ भेज दिया, सो इस तरह से कुछ आपको मिलेगा। और ये पीछे वाली जो सीरीज है, ये पीछे वाली सीरीज 3 को छोड़ के ये सारी सीरीज क्या होगी, ये सीरीज अब बन जाएगी हमारे लिए AP, है ना। अगर ये AP बन रही है तो AP का nth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, और इसमें टर्म कितने हो गए यहाँ पे देखो तो, सो यहाँ पे टर्म्स हो गए n - n - 1, तो ये टर्म्स क्या होगा उसके आगे वाला, देखो यहाँ पे कुल कितने टर्म्स है, यहाँ पे कुल मिला के n टर्म्स है, मैंने ये टर्म को छोड़ दिया, तो यहाँ सकते यहाँ तक के कितने टर्म्स हुए, यहाँ से लेके यहाँ तक के सारे, देखो यहाँ पे ये 3 भी इंक्लूडिंग ये इसमें 7 - 3, यहाँ पर भी ये भी इंक्लूडिंग है, ठीक है। सो ये सारे टर्म्स है कितने हैं, यहाँ पे टर्म्स है n - 1 टर्म्स, कितने टर्म्स है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज n - 1 टर्म्स, ठीक है। चलिए फिर मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ कि अब ये इसका n टर्म्स का फॉर्मूला यहाँ पे पुट करता हूँ, n/2 (2a + n - 1)(d). नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n टर्म्स नहीं, अब कितने टर्म्स है, n - 1 टर्म्स है, डिवाइडेड बाय 2 × 2 × 4 प्लस n - 1 टर्म्स थे, एक और -1 - 1 - 2 डी, डिफरेंस क्या है यहाँ पर 2, सो ये होगा आपका n टर्म का फॉर्मूला कुछ इस तरह से। और यहाँ से आपको ये वैल्यू मिलेगी an की, बट हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है sn, sn क्या होगा, sn an का भी हमें समेशन करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व, ये इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, 3 + n - 1 × 2, देखो यहाँ से 2 कॉमन ले लो, आप 2 कॉमन ले लिया न्यूमिनेटर में से, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 4 + n - 2 ये बचेगा, ये देखो ये 2 कट, ये क्या होगा यहाँ पे n - 2 + 4 ये बचेगा n - 2, सो 3 + n - 1 और यहाँ पे n + 2 होगा, n + 4 - 2 यानी कि +2 n + 2। चलिए इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो ये क्या होगी वैल्यू, यहाँ पे n² - n देन +2n - 2 ये होगा, ठीक है। चलिए सो इसकी वैल्यू सॉल्व कर देते हैं, 3 + n² - इसकी वैल्यू होगी +n और ये -2, 3 - 2 ये क्या हो जाएगा n² + n + 1 ये होगा, ओके। अब हमें इसको सॉल्व करना है
एस एन, ये फॉर्मूला मिली हमें ए एन की, और ये फॉर्मूला पुट कहाँ करना है एस एन में, सो एस एन विच इज इक्वल्स टू सिग्मा ए एन, और सिग्मा ए एन की वैल्यू क्या थी यहाँ पे एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन, सबको सिग्मा दे दो, सो ये हो जाएगा सिग्मा एन स्क्वायर, ये हो जाएगा सिग्मा एन, और ये हो जाएगा सिग्मा वन। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सिग्मा एन स्क्वायर, ये होगा एन इंटू एन एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स, इसकी फॉर्मूला क्या होगी, सो के एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, और इसकी फॉर्मूला होगी सिग्मा वन इज इक्वल्स टू एन। पहले एन कॉमन ले लेता हूँ मैं सब में, और हाँ एन कॉमन ले लूँ, सो यहाँ पे बचेगा एन प्लस वन, यहाँ पे टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स, प्लस यहाँ पे एन प्लस वन अपॉन टू प्लस वन, सिक्स एलसीएम लेके बाहर ले लो, ठीक है, और थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। सिक्स एलसीएम ले लिया, बाहर भेज दिया, सो यहाँ पे बचेगा अब एन प्लस वन टू एन प्लस वन, प्लस यहाँ पे थ्री एन प्लस थ्री प्लस सिक्स, ऐसा बचेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने थ्री मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, थ्री टू जै सिक्स होगा, और सिक्स मैंने बाहर ले लिया है, यहाँ पर सिक्स मल्टीप्लाई होगा सो सिक्स, ठीक है। चलिए इसको ब्रैकेट को मल्टीप्लिकेशन करते हैं और फिर सॉल्यूशन लेते हैं, जो मिलेगा आपको फाइनल आंसर। सो एन अपॉन सिक्स, बाहर कॉमन ले लिया है हमने ऑलरेडी। चलिए अब इसको एन प्लस वन इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये पहला बन जाएगा टू एन स्क्वायर प्लस एन, फिर वन मल्टीप्लाई करते हैं, सो टू एन प्लस वन, एज सिमिलरली यहाँ पर थ्री एन प्लस, देखो ये सिक्स प्लस थ्री ये बन जाएगा नाइन, तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, सो ये हो जाएगा एन अपॉन सिक्स विच इज इक्वल्स टू टू एन स्क्वायर, देखो यहाँ पे थ्री प्लस टू फाइव, फाइव प्लस वन सिक्स एन, नाइन प्लस वन टेन, इसमें से टू कॉमन ले लो, नीचे टू कैंसिल हो जाएगा, सो नाइन अपॉन थ्री विच इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर प्लस थ्री एन प्लस फाइव, दिस इज योर फाइनल आंसर। यानी कि ये जो टर्म्स है वो टर्म्स का समेशन कितना होगा, ये होगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम ये आज का ये वीडियो रख रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में कुछ और इसी के एग्जाम्पल हम देखेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।